नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के बारे में। ग्लिमस्टार M24 टैबलेट को डिस्कवरी मैनकाइंड द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये एक ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जिसमें मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिप्राइड कॉम्बिनेशन होता है। ग्लिमस्टार M24 टैबलेट 30 गोली की पैकिंग में आती है और इसका प्राइस है 263 रुपीस। मैं आपको बताऊंगा ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के यूजेस के बारे में, डोजेस के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के यूज के दौरान, और किस तरह से ग्लिमस्टार M24 टैबलेट काम करती है, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के यूज के दौरान। जनरली डॉक्टर ग्लिमस्टार M24 टैबलेट को टाइप 2 डायबिटीज में एडल्ट पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ में हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। ग्लिमस्टार M24 टैबलेट को जनरली दिन में एक बार लेने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन ये डोज इंडिविजुअल पेशेंट में वेरी कर सकती है। आप ग्लिमस्टार M24 टैबलेट को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दिन में फिक्स टाइम पर ही ग्लिमस्टार M24 टैबलेट का सेवन करना चाहिए, जिससे कि डोज मिस होने के चांसेस ना रहे। अब मैं आपको बताता हूं ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के यूज के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें कि नौशिया होना, डायरिया हो जाना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, भूख कम लगना, या थोड़ा खाना खाने पर पेट भर जाना, गला खराब हो जाना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया और लैक्टिक एसिडोसिस, ये दोनों सीरियस साइड इफेक्ट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी काफी कम हो जाता है, इस सिचुएशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये भी ग्लिमस्टार M24 टैबलेट का साइड इफेक्ट होता है। मैंने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, और आपको हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, तो कृपया करके उस लिंक को खोलिए और आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो दूसरा साइड इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। ये भी काफी सीरियस साइड इफेक्ट है जिसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को सीवियर डायरिया हो सकता है, सीवियर पेन होता है, सीवियर क्रैम्स आ सकते हैं और काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के बताए हुए तरीके से ही आपको ग्लिमस्टार M2 टैबलेट का सेवन करना चाहिए, या अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आपको ग्लिमस्टार M2 टैबलेट का सेवन बंद करना चाहिए, लेकिन खुद से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं ग्लिमस्टार M24 टैबलेट कैसे काम करती है। इसमें मैंने आपको बताया ग्लिमस्टार M24 टैबलेट में ग्लिमिप्राइड 2 mg होता है और मेटफॉर्मिन 1000 mg होता है। ग्लिमिप्राइड पैनक्रियास से इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है और इस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। और दूसरी साइड जो मेटफॉर्मिन है वो 3 तरह से एंटी डायबिटिक इफेक्ट देता है। सबसे पहले इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, दूसरा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और तीसरा जो ग्लाइकोजन जो है लीवर में मौजूद ग्लूकोज होता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, उसको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन को रोकता है। और इस तरह से ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन मिलके ग्लिमस्टार M24 टैबलेट को एक बहुत अच्छा एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाते हैं। अभी आपको बताता हूं क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए आपको, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के यूज के दौरान। अगर आप ग्लिमिप्राइड या मेटफॉर्मिन दोनों में से किसी मेडिसिन से एलर्जिक है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ग्लिमस्टार M24 टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ग्लिमस्टार M24 टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको अल्कोहल का सेवन या तो बंद कर देना चाहिए या इसको बहुत कम कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको ग्लिमस्टार M24 टैबलेट के यूज के दौरान अल्कोहल लेने पर काफी सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
अगर आपको लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है तो अभी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ग्लिमिस्टार M24 टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। आपको रेगुलर इंटरवल पे अपना लीवर फंक्शन टेस्ट और विटामिन B12 टेस्ट कराते रहना चाहिए और इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को देते रहना चाहिए। साथ ही में आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर को देते रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपको ग्लिमिस्टार M24 टैबलेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं ग्लिमिस्टार M24 टैबलेट के बारे में या किसी और डायबिटिक मेडिसिन के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट करिए और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं। मैं आशा करता हूं आपको ग्लिमिस्टार M24 टैबलेट के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।